आज का हमारा चर्चा का विषय है तंजौर के मंदिर। बृहदीश्वर या बृहदीश्वर मंदिर या राज राजेश्वर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं शताब्दी के आरंभ में बनाया गया था। विश्व में यह अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है, ग्रेनाइट पत्थर। यह अपनी भव्यता, वास्तुशिल्प और केंद्रीय गुंबद से लोगों को आकर्षित करता है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। इसका निर्माण 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। उनके नाम पर इसे राज राजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया गया है। यह अपने समय के विश्व के विशालतम संरचनाओं में गिना जाता था। इसके 13 मंजिले भवन, सभी हिंदू अधिस्थापनाओं में मंजिलों की संख्या विषम होती है, की ऊंचाई लगभग 66 मीटर है। मंदिर भगवान शिव की आराधना को समर्पित है। यह कला की प्रत्येक शाखा, चाहे वो वास्तुकला हो या पत्थर व ताम्र में शिल्पांकन यानी मूर्ति बनाई हो, या प्रतिमा विज्ञान चित्रांकन या चित्र बनाए गए हो, नृत्य संगीत आभूषण एवं उत्कीर्ण कला का भंडार है। इसमें सब कुछ है। शिखर पर स्वर्ण कलश स्थित है। जिस पाषाण पर यह कलश स्थित है, अनुमानतः वह उसका भार 2200 टन है और यह एक ही पाषाण से बना है। तंजेवूर में बृहदेश्वर मंदिर का जो गोपुरम है, जहाँ पर ये बैल यानी नंदी की मूर्ति है, मंदिर में प्रवेश करते ही आरंभ में नंदी को दिखाया गया है। मंदिर में प्रवेश करने पर गोपुरम के भीतर एक चकोर मंडप है, वहाँ चबूतरे पर नंदी विराजमान है, सामने चित्र में दिखाई दे रहा है। नंदी की यह प्रतिमा 6 मीटर लंबी, 2.6 मीटर चौड़ी तथा 3.7 मीटर ऊंची है। भारतवर्ष में एक ही पत्थर से निर्मित नंदी की है दूसरी सर्वाधिक विशाल प्रतिमा है। पहली कहाँ पर है? अभी आपने देखा था, इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था वो था विजयनगर के मंदिर। वहाँ पर सुंदर सुंदर मंदिर है विजयनगर साम्राज्य में। तो पहला जो नंदी का मंदिर है, विशाल आकृति मूर्ति है, वो वहाँ की है। दूसरी तंजौर शैली की है। समझ में आ गया? तंजौर में अन्य दर्शनीय मंदिर हैं तिरुवोरियूर, गंगे कोंड चोलपुरम तथा दारासुरम। ये मीनाक्षी अम्मा मंदिर है जो आपको दिखाई दे रहा है। मीनाक्षी यानी पार्वती और सुंदरेश्वर यानी शिव मंदिर, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर, पूरा मंदिर का नाम ये है। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर या मीनाक्षी अम्मा मंदिर या केवल मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह हिंदू देवता शिव, सुंदरेश्वर या सुंदर ईश्वर के रूप में एवं उनकी भार्या यानी पत्नी देवी पार्वती, मीनाक्षी या मछली के आकार की आंख वाली देवी के रूप में दोनों को समर्पित है। यह ध्यान योग्य बात है कि मछली पांड्य राजाओं का राज चिन्ह था। यह मंदिर 2500 वर्ष पुराने मदुरई नगर की जीवन रेखा है। इस मंदिर का स्थापत्य एवं वास्तु आश्चर्यचकित कर देने वाला है, जिस कारण यह आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों की सूची में प्रथम स्थान पर स्थित है एवं इसका कारण, इसका विस्मय कारण स्थापत्य ही है। विशाल रूप में जो यह मंदिर बना है,
इसकी विशालता इसका प्रसिद्धि का कारण है। इस इमारत समूह में 12 भव्य गोपुरम है। गोपुरम यानी जहाँ नंदी की स्थापना की गई है, बैल की मूर्ति बनाई गई है, जो अति विस्तृत रूप से शिल्पित है। इन पर बड़ी महीनता एवं कुशलता पूर्वक रंग एवं चित्रकारी की गई है, जो देखते ही बनती है। मंदिर का ढांचा। इस मंदिर का गर्भगृह 3500 वर्ष पुराना है और इसकी बाहरी दीवारें और अन्य बाहरी निर्माण लगभग 1500 या 2000 वर्ष पुराने हैं। मतलब पहले मंदिर आरंभ हुआ और फिर धीरे 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 कई वर्षों तक ये बनते रहे। इस पूरे मंदिर का भवन समूह लगभग 45 एकड़ भूमि में बना है, जिसमें मुख्य मंदिर भारी भरकम निर्माण है और उसकी लंबाई 254 मीटर एवं चौड़ाई 237 मीटर है। मंदिर 12 विशाल गोपुरमों से घिरा है, जो कि 4 दीवारी में बने हैं। इसके साथ ही यहाँ एक बृहद गणेश मंदिर भी है, जिसे मकुरने विनायगर कहते हैं। इस मूर्ति को मंदिर के सरोवर की खुदाई के समय निकाला गया था। पोत्रमरे कुलम पवित्र सरोवर 165 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। ये मीनाक्षी मंदिर का पवित्र सरोवर पुष्पकरणी है। यह मंदिर के भीतर भक्तों हेतु अति पवित्र स्थल है। भक्तगण मंदिर में प्रवेश से पहले इसकी परिक्रमा करते हैं। आईराम काल मंडप या सहस्त्र स्तंभ मंडप या हजार स्तंभों वाला मंडप अत्योच्च शिखर वाला, अत्योच्च ऊंचा, जिसका शिखर बहुत ऊंचा है और जिसके शिल्प जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मूर्तियां हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें 985 भव्य तराशे हुए स्तंभ हैं। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुरक्षण में है। ऐसी धारणा है कि इसका निर्माण आर्यनाथ मुदलियार ने कराया था। मुदलियार की अश्वरोही मूर्ति मंडप की तरफ जाती सीढ़ियों के बगल में स्थित है। प्रत्येक स्तंभ पर शिल्पकारी की हुई है, जो द्रविड़ शिल्पकारी का बेहतरीन नमूना है। इस मंडप में मंदिर का कला संग्रहालय भी स्थित है। इसमें मूर्तियां, चित्र, छायाचित्र इत्यादि इसका 1200 वर्ष का इतिहास देख सकते हैं। इस मंडप के बाहर ही पश्चिम की ओर संगीतमय स्तंभ स्थित है। इनमें प्रत्येक स्तंभ थाप देने पर भिन्न स्वर निकालता है। स्तंभ मंडप के दक्षिण में कल्याण मंडप स्थित है, जहां प्रतिवर्ष मध्य अप्रैल में चैत्र मास में चिरिरई उत्सव मनाया जाता है। इसमें शिव पार्वती का विवाह आयोजन होता है। थंजई मामानी कोइल, जो कि तंजावुर में है, इस मंदिर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तंजावुर के पास थंजई मामानी कोइल 3 विष्णु मंदिरों का एक समूह है, जिन्हें एक साथ दिव्य देशम कहा जाता है। यह भारत के 108 से अधिक मंदिर परिसरों में से एक है। यहाँ उनकी पूजा मुख्य रूप से उनके नरसिम्हा अवतार में ही जाती है, जिसे उन्होंने मुख्य रूप से अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए दुष्ट राजा हिरण्यकश्यप को हराने के लिए लिया था। यहाँ उनकी मूर्तियाँ भी मौजूद है। अगला मंदिर है बंगारू कामाक्षी अम्मन मंदिर, जो कि तंजावुर। बंगारू मीनाक्षी मंदिर तंजावुर के एक बहुत प्रसिद्ध और भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्थित है। यह मंदिर कई अन्य मंदिरों के बीच स्थित है, लेकिन इसका अपना महत्व जरूर है। इसकी लोकप्रियता का एक बड़ा हिस्सा मंदिर के इतिहास और
दंती में निहित है। बंगारू शब्द का अर्थ है सोना। यह देवता के सुनहरे शरीर के लिए प्रयोग किया गया है। अगला मंदिर है स्वामी मलाई मंदिर तंजावुर। तंजावुर में स्थित स्वामी मलाई मंदिर का दक्षिण भारत के हिंदू समुदाय में बहुत धार्मिक महत्व है। अगला मंदिर है अलंगुड़ी गुरु मंदिर तंजावुर। अलंगुड़ी और इसका मंदिर तीन पवित्र नदियों कावेरी कोलिदम और वेनारू से घिरा पवित्र स्थल होने के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान और मंदिर एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और इसके अतीत की उत्पत्ति और वर्तमान किंवदंती से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक पौराणिक और स्थानीय लोक कथाएं हैं। अलंगुड़ी गुरु मंदिर शिव के अबद सहायेश्वर रूप को समर्पित है, जिन्होंने समुद्र मंथन के दौरान मानवता को उसके विष से बचाने के लिए वासुकी नाग के जहर को पचाया था। चंद्र भगवान मंदिर तंजावुर। यह मंदिर चंद्र देवता को समर्पित है। शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित इस मंदिर में बड़े पैमाने पर वे लोग जाते हैं जो मानते हैं कि वे अपनी कुंडली के अनुसार चंद्रमा के बुरे प्रभाव में हैं। उनका मानना है कि चंद्र देव की पूरी आस्था के साथ पूजा करने से उनकी बुरी किस्मत बेहतरी के लिए बदल सकती है। सारंग पानी मंदिर जो कि कुंभकोणम। सारंग पानी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक प्राचीन मंदिर दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के कुंभकोणम शहर में स्थित है। यह खूबसूरत मंदिर कावेरी नदी के तट पर स्थित है और दुनिया भर से भगवान विष्णु के भक्त यहां आते हैं। पूजा का एक पवित्र स्थान होने के साथ साथ यह मंदिर अपने आप में कला का एक नमूना है, जिसमें कई स्तरों पर जटिल नक्काशी और रंगीन ढंग से सजाई गई पौराणिक मूर्तियां और छवियां हैं। मंदिर की भव्यता मनमोहक है। आदि कुंभेश्वर मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी ईस्वी में चोलों द्वारा किया गया था। यह शहर के सबसे भव्य और सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक है। मंदिर में चोलों की ट्रेडमार्क शैली के साथ एक शानदार वास्तुकला है। यह भगवान शिव को समर्पित है और इसमें एक अनोखा शिवलिंग है। ऐरावतेश्वर मंदिर कुंभकोणम। तमिलनाडु में कुंभकोणम के पास दारासुरम शहर में स्थित ऐरावतेश्वर मंदिर एक प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर और गंगे कोंडा चोलपुरम में गंगे कोंडा चोलीश्वरम मंदिर के साथ ग्रेट लिविंग चोल मंदिर के रूप में जाने जाने वाले लोकप्रिय टिकड़ी का हिस्सा ऐरावतेश्वर मंदिर 12वीं शताब्दी ईस्वी में चोल राजा राजा चोल द्वितीय द्वारा बनाया गया था। टिकड़ी मतलब तीन मंदिर का नाम लिया गया है, बृहदेश्वर मंदिर, दूसरा गंगे कोंडा चोलपुरम और तीसरा गंगे कोंडा चोलीश्वरम मंदिर। ये तीन मंदिर हैं जो लोकप्रिय तिकड़ी का हिस्सा ऐरावतेश्वर मंदिर 12वीं शताब्दी ईस्वी में चोल राजा राजा चोल द्वितीय द्वारा बनाया गया था। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।